हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरु जी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शंकु के एक अगले पार्ट के बारे में, शंकु के एक दूसरे नेचर के बारे में। शंकु जैसे आपको पता है आपने पिछले चैप्टर में या पिछले जो एक्सरसाइज में पिछले जो आपकी प्रश्नावली थी उसमें आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें कि शंकु का आयतन, शंकु का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ आपने निकाला। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, उसका नाम है शंकु का चिन्हक। शंकु का चिन्हक बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ ए कोन। यानी कि अब समझने वाली बात है कि शंकु का चिन्हक होता क्या है, पहले ये मेन इसको समझना बहुत जरूरी है। उसको समझने के बाद हम ये चीज चेक करेंगे कि शंकु और शंकु के चिन्हक में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें शंकु के चिन्हक में नहीं होती हैं, और उस शंकु का शंकु के चिन्हक से क्या संबंध है, किस तरह से हम उसकी हेल्प लेते हैं शंकु के चिन्हक के तमाम चीजें निकालने के लिए, जैसे आयतन, वक्र, पृष्ठ वगैरह वगैरह। ठीक है, तो चलिए पहले शंकु के चिन्हक को हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद उसके अगली चीजों के बारे में क्या करेंगे बात करेंगे। तो बच्चों देखिए, शंकु के चिन्हक के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि शंकु का चिन्हक होता क्या है। तो उसके लिए आपको पहले शंकु को समझना जरूरी होगा। शंकु आपको पता है एक ठोस त्रिभुजाकार आकृति होती है। ठोस त्रिभुजाकार आकृति मीन्स एक त्रिभुज को हम त्रिविमीय रूप में समझते हैं। त्रिविमीय रूप की जो आकृति होती है तो किसी भी त्रिभुज की, उसको हम क्या बोलते हैं, शंकु बोलते हैं। इस शंकु में आपको पता है कि इसको हम लोग त्रिक ऊंचाई बोलते हैं, यहाँ पर इसकी एक त्रिज्या होती है, ठीक है, ये इसकी हाइट होती है, तमाम सारी चीजें आपको इसमें पता है, जिसको हम लोग एच बोलते हैं, ठीक है, और ये इसकी त्रिज्या आर होती है। तो इस तरह से एक शंकु का आपको पता है कि शंकु होता है। हम बात कर रहे हैं शंकु के चिन्हक की, यानी कि शंकु जो फ्रस्टम ऑफ ए कोन है कि शंकु का चिन्हक क्या होता है। तो वेरी सिंपल है कि एक शंकु को यदि उसका जो ये जो तिकोना वाला हिस्सा है, यानी कि जो ये पैना वाला हिस्सा है, अगर इस हिस्से से अगर हम इसको काट दें, इस तरह से काट, आप देखिए बीच में इसको काटा, इस तरह से इसे काटेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। आपको पता है दो टुकड़े हो जाएंगे, तो एक टुकड़ा तो ये बनेगा इसको ऊपर वाला, ये जो ऊपर दिख रहा आपको, और एक टुकड़ा आपका ये वाला बनेगा इसका, इस तरह से आप देखिए दो टुकड़े बन गए इसके, एक ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। तो अब आपको मैं दिखाई दे रहा है कि जो ये ऊपर वाला टुकड़ा है ये अपने आप में एक क्या है, पूर्ण शंकु है, यानी कि इस बड़े शंकु को काटकर के एक छोटा शंकु हमको मिला। तो इसकी तो हमने बात ही नहीं करनी है, ये तो शंकु इसके बारे में आप जानते हैं, लेकिन जो ये नीचे वाला टुकड़ा है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये जो चीज आई है इसी को हम क्या बोलते हैं, चिन्हक कहते हैं, यानी कि फ्रस्टम कहते हैं, इसी को हम चिन्हक बोलते हैं। तो चिन्हक के आकार के बहुत सारी वस्तुएं आपने अपने निजी जीवन में देखी होंगी, जैसे ग्लास होता है, आपको पता है ग्लास के बारे में, ग्लास कुछ इस तरह का होता है, ये देखिए ये ग्लास है, या बाल्टी है, बाल्टी का भी देखिए बाल्टी है, ये ग्लास है, इस तरह से जो ये चीजें होती हैं, जो वस्तु होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, चिन्हक। तो चिन्हक का फ्रस्टम का अपना अलग से क्या होता है, आयतन होता है, वक्र पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है, और त्रिक ऊंचाई होती है। अब इसकी हम बात करेंगे, ठीक है, चिन्हक में बात करेंगे। अब ऊपर वाले शंकु को मैं छोड़ देता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक नया फिगर बना देता हूँ चिन्हक का। तो आपको जो चिन्हक बनेगा, मान लो इस तरह से कहीं बनता है, ये मान लीजिए कोई चिन्हक, इसके ऊपर एक तिकोना तो हमने हटा दिया, तो ये चिन्हक का हमको आधार मिल गया। इसमें आप देख रहे हैं कि इसके दो वृत्ताकार हिस्से हैं, ये एक ही है, एक ही है। तो इसमें जो ये नीचे वाला हिस्सा है, जाहिर सी बात है बड़ा वृत्त है, छोटा वृत्त है, तो मान लीजिए इसकी जो त्रिज्या है ये R1 है, ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है ये R2 है। हाइट तो भाई सेम ही रही, हाइट तो कोई डिफरेंस नहीं है, ये एच है, ये R1 है, ये R2, और ये है इसकी त्रिक ऊंचाई, ये किसकी क्या है, त्रिक ऊंचाई। तो शंकु के चिन्हक का हमको क्या क्या चीज होगी, जैसे शंकु में क्या होता है, आयतन होता है, वक्र पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है, और त्रिक ऊंचाई होती है, वही चीजें इसमें भी होती है, लेकिन इसमें फॉर्मूला क्या होता है, अलग अलग होता है। तो शंकु के चिन्हक के बारे में आपको बहुत ज्यादा गहराई में तो नहीं जाऊंगा, इसमें सिंपल से अगर हम अगर बात करें पहले, तो इस प्रकार जो शंकु है का चिन्हक है, तो यहां पर लिखूंगा शंकु के चिन्हक का आयतन, शंकु के चिन्हक का आयतन, इसका चिन्हक का आयतन
आपको पता है कि जो शंकु का आयतन होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो एच तो यहाँ पर सेम ही है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो ध्यान दीजिए आर स्क्वायर एच, तो एच तो मैं ले रहा हूं लेकिन आर स्क्वायर की जगह सिंपल से लीजिए हम आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन इंटू आर, ये फॉर्मूला होता है, ये आपके है शंकु के चिन्ह आयतन का फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। ठीक है, त्रिक ऊंचाई यहां पर लिख दो, चिन्ह की त्रिक ऊंचाई, चिन्ह की त्रिक ऊंचाई, ये आपको L है, तो सीधे सीधे मैं लिखता हूं L बराबर का है, आपको पता है क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यहां पर हो गया आर वन माइनस आर टू का, यहां पर ध्यान दीजिए आर वन जहां पर आपका क्या है, जहां आर वन इज ग्रेटर देन आर टू, यानी कि आर वन आर टू से बड़ा है, यानी कि पहली त्रिज्या दूसरी त्रिज्या से बड़ी है, यानी कि ये वाला हिस्सा नीचे वाला है, बड़ा वाला हिस्सा ये है, छोटा वाला हिस्सा ये है वृत्ताकार में, ये आपके आगे त्रिक ऊंचाई का फॉर्मूला, ये आपको ध्यान रखना है। चिन्ह की त्रिक ऊंचाई, अब आएगा चिन्ह का वक्र पृष्ठ, चिन्ह का वक्र पृष्ठ, तो आपको पता है वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है, पाई आर एल, तो आर आर फिलहाल में लिखूंगा एल में पहले लिखे पाई एल, अब आर करूंगा पाई आर। यहां पर एक चीज थोड़ा नोट कीजिए, मैं एक चीज आपको बताना आपको भूल गया पर क्या चीज, हाँ यस, वक्र पृष्ठ में बात करते हो, वक्र पृष्ठ का मीनिंग होता है, वक्र मीन्स होता है कर्व, यानी कि घुमावदार, तो यानी कि इस चिन्ह का जो घुमावदार वाला हिस्सा है उसका क्षेत्रफल क्या है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो चिन्ह का वक्र पृष्ठ रहेगा ये वाला, सिर्फ जो ये वक्राकार हिस्सा है ये वाला, ठीक है। और अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ में ये वक्र पृष्ठ आ जाएगा और ये जो वृत्ताकार पोर्शन है उसका वाला हिस्सा भी आ जाएगा, यानी कि इन दो वृत्तों का क्षेत्रफल भी उसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, किसके लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं वक्र पृष्ठ की, तो शंकु के चिन्ह का जो वक्र पृष्ठ होगा, वैसे तो वक्र पृष्ठ है तो पाई आर एल होता है, तो पाई आर एल, एल जो पहले लिखा अब आर की जगह लिखना है, तो आर कैसे लिखेंगे वो थोड़ा आपको ध्यान देना है, तो यहां पर हो जाएगा आपका पाई एल आर, आर में हो जाएगा आपका आर वन प्लस आर टू पाई आर एल, ठीक है, ये आपको हो गया चिन्ह का वक्र पृष्ठ। अब आइए इसमें चिन्ह का संपूर्ण पृष्ठ, ये थोड़ा ध्यान दीजिए यहां पर, चिन्ह का संपूर्ण पृष्ठ, यहां पर ये फॉर्मूला ये हो गया, आप एक चीज ध्यान रखना, आप हमेशा ध्यान रखना कि ये जो एल है ये एल इस फॉर्मूले से निकलेगा, तो ये मैंने यहां पर लिखा हुआ त्रिक ऊंचाई, जहां जहां एल आएगा उस एल का मान ये होगा एच स्क्वायर प्लस आर वन एस आर टू का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है, ये ध्यान रखना। हम बात कर रहे हैं संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्र की, हम बात कर रहे हैं तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा, वक्र पृष्ठ प्लस दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, ये तो आप समझ आ रहा है, तो वक्र पृष्ठ आपका क्या है पाई हो, ये वाला हो गया पाई आर वन प्लस आर टू इंटू एल, ये वाला पाई आर वन प्लस आर टू इंटू एल प्लस दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, इस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस इस वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये पाई आर वन स्क्वायर प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर टू स्क्वायर, तो ये आपको हो गया संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का सॉरी शंकु के चिन्ह का संपूर्ण पृष्ठ, ये इस प्रकार से आपने क्या करना है, यहाँ पर मेन ये फॉर्मूला है एक दो तीन और चार, तो शंकु के चिन्ह के लिए आपको मेनली चार फॉर्मूलों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये फॉर्मूले निकलते कैसे हैं, ये इसका डेरिवेशन अभी आपको कोर्स में नहीं है, ये हायर स्टडीज में जब आप 11वीं और 12वीं जाओगे तो वहां पर आपको इसका डेरिवेशन मिलेगा, इसको कैसे ड्राइव करना है, लेकिन फिलहाल 10th के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ आपको इसका फॉर्मूला जो है ये आपको याद रखना है। तो आगे हम क्या करेंगे, इन सारे फॉर्मूले बेस्ड जितने भी सवाल होंगे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, और मैं हमेशा स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं तो सिंपल आपके मार्गदर्शन के लिए मैं एक्सरसाइज की सवाल जो एक्सरसाइज आपकी होती है जो प्रश्नावली होती है उनके सवाल मैं सॉल्व कराता हूँ,
आपको यदि कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में आपकी, तो आप मुझे बेधड़क पूछ सकते हैं, मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और चैट के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को, अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप बेसिकली आज के वीडियो में सिर्फ शंकु का चिन्हक क्या होता है और चिन्हक से संबंधित जो फॉर्मूले है वो क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया। आप चाहो तो एक नजर मार सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इन फॉर्मूले को नोट कर सकते हैं, हमें काफी बुक तो होंगे लेकिन फिर भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई नई चीज मैंने आपको बताई हो तो आपसे समझ आई हो तो उसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस में अगले वीडियो में कराऊंगा, जो भी इसमें एक्सरसाइज होगी एनसीईआरटी की बुक्स के अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइज है वो आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। जैसे मैं रोज बोलता हूँ सभी स्टूडेंट से, कोई क्वेश्चन पूछना तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, और यदि जिन बच्चों को या अगर आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे या पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं या जो पहले भी देख चुके हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है तो प्लीज हमारे चैनल को आगे सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे कि सामने आपको ये तीन तरह से बता रहे हैं, इस तरह से करने से हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंच जाएगी। तो आज के इतना ही, जल्दी आऊंगा एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ और एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।